हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आर्किटेक्ट फ्लिप में। तो दोस्तों, यूट्यूब का बहुत ही धमाकेदार अपडेट आ जाया है जिसे देखकर आप सभी खुश हो जाएंगे, और बहुत सारे क्रिएटर ऐसे हैं जिनके चैनल पर ये प्रॉब्लम है, और अगर वो प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन क्या है, चलिए दोस्तों इस वीडियो में पूरी बात करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जिनके चैनल पर एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है, उनके चैनल पर वार्निंग भी आती है, उनके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम भी है और कॉपीराइट स्ट्राइक भी उन्हें मिलती है। तो दोस्तों, इसका क्या सोल्यूशन, अभी YouTube ने क्लियर कर दिया है कि जिनके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है वो उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं, या जिनके चैनल पर कॉपीराइट क्लेम आता है वो उसे कैसे हटा सकते हैं। देखिए दोस्तों, कॉपीराइट क्लेम के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। कॉपीराइट क्लेम अगर आपकी वीडियो पर आता है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, उसका सिर्फ रेवेन्यू शेयर होता है, और कॉपीराइट क्लेम जो है वो आपको ऑटोमेटिकली उसके हटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो आपके लिए एक वो सिंपल सी वार्निंग होती है। नंबर टू दोस्तों, अगर आपके चैनल पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या स्ट्राइक पड़ती है दोस्तों, अब आपके पास जहाँ पर स्ट्राइक आती है उस जगह आपको एक वीडियो दिखाई देगा दोस्तों, वो वीडियो यूट्यूब ने खुद तैयार किया है, वो वीडियो वहाँ पर आपको दिखाई देगा, और जब आप वीडियो पर क्लिक करेंगे उसे अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद वहाँ पर आपको क्वेश्चन पुट किए जाएंगे, आपको जैसे जीके क्वेश्चन होते हैं उस तरीके से उन क्वेश्चन का रिप्लाई करना है। जब आप अच्छे तरीके से रिप्लाई कर दोगे तो दोस्तों ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद आप अच्छे से अगर उनका सही रिप्लाई करते हो तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक हट सकती है। और दोस्तों, सभी क्वेश्चन के जवाब जब आप सही दे देंगे तो आपको 90 डेज का वेट करना है। 90 डेज वेट करने के बाद अगर आपके चैनल पर द्वारा कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं आती है तो आपकी वो स्ट्राइक बिल्कुल रिमूव हो जाएगी। अब दूसरी बात दोस्तों, अगर मान लीजिए आपके चैनल पर वार्निंग आई है और उसके बाद आपने फिर से वैसा ही कंटेंट डाल दिया जो आपने वार्निंग जिसकी वजह से आई है वो आपने कंटेंट दोबारा डाल दिया, तो आपके चैनल पर इस बार वार्निंग नहीं आएगी, डायरेक्ट कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ जाएगी और फिर से आपको इसी को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, यूट्यूब टीम ने खुद ही क्लियर किया है, तो दोस्तों जिनके चैनल पर एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है वो इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। ये छोटा सा अपडेट आज आया था इसलिए आपको इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी थी। वीडियो अच्छी लगी है तो अभी लाइक कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।